सबसे पहले तो नमस्ते सभी को, सभी दर्शकों को, और थैंक्स टू दिलीप जी के दिलीप जी इस मूवी रूप मेरे प्यार के में मुझे कास्टिंग किया। उनको लगा कि मैं शायद ये मेरा जो कैरेक्टर वो निभा पाऊँगी। थैंक यू सो मच दिलीप जी। थैंक्स टू गिरेश्वर दुबे जी। गिरेश्वर जी मतलब हम लोग एक टीम वर्क अभी करने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है आप लोग जब भी मेरे कोई मूवी देखते हो आप लोग मुझे हर नए अवतार में देखते हो। मतलब एक ही टाइप का कैरेक्टर मुझे अच्छा नहीं लगता। मूवी करूँगी तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर करूँगी, और इसमें जो स्टोरी में सुना मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मधु का जो कैरेक्टर है जो मैं करने जा रही हूँ, तो आई थिंक आप लोगों को सही मतलब बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी में अभी जितने मूवी बन रहा है सब पारिवारिक मूवी जो फैमिली ड्रामा है वो बहुत कम बन रहा है, तो चलिए आप लोग तो डेफिनेटली देखेंगे। मैं जानती हूँ ये आप सबसे छोटे सदस्य लेके सबसे बड़ी सदस्य सब लोग एक साथ बैठ के एक फैमिली ड्रामा आप लोग एंजॉय कर सकते हो। हम लोग तो करेंगे और आप लोग देखेंगे तो हम लोगों के मूवी में जान आएगा। थैंक यू सो मच। जो हीरो हैं सुबे जी, क्या कहना चाहेंगे, सब कैसे फिल्म रहने वाली है? किसके साथ? जो फिल्म के हीरो हैं। अच्छा, प्रमोद जी के साथ तो मैं ऑलरेडी एक मूवी कर लिया चक्रव्यूह, जिसका ट्रेलर लॉन्चिंग सभी हो गया। लॉकडाउन की वजह से मूवी तो रिलीज़ अभी नहीं हो पाया, लेकिन उसमें भी मूवी जो ट्रेलर लॉन्च हुआ था एंड जो जितने सारे गाना रिलीज़ हुआ सभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो वो भी मतलब उनके साथ काम करके अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल फील किया। और मतलब एक एक्टर एक्ट्रेस हम दोनों को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो सेट पे हम लोग मिलते हैं, और मैं कलकत्ता से हूँ, सभी से एकदम डिटेच रहती हूँ, सभी से फ़ोन पे, मतलब दिलीप जी, गिरेश्वर दुबे जी सबसे फ़ोन पे, मीटिंग भी नहीं हुआ किसी से। इधर आके मैं मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रमोद प्रेमी जी को तो मैं पहले से जानती हूँ, उनके साथ एक मूवी ऑलरेडी कर लिया मैंने, और मेरा सामने भी बहुत सारा मूवी है। मैं दिलीप जी के साथ भी मूवी कर रही हूँ बहुत सारा, और भी है, तो सरप्राइज अभी नहीं बोलूँगी मैं। दिलीप जी आपसे बात करें, जो है जो फिल्म के दो हीरो हैं प्रमोद प्रेमी हाँ सर दुबे जी हैं, तो बताना चाहेंगे कैसे दोनों हीरो में ठसन होने रहने वाली है? सर इसमें ठसन ये है, जो अपने आकाश जी हैं एक हीरो हैं यानी कि गिरेश्वर दुबे सर, और कार्तिक जी हैं यानी कि प्रमोद प्रेमी जी। प्यार तो मधु कार्तिक से करती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग मन ही मन एक तरफा प्यार आकाश जी करते हैं, मन ही मन प्यार आकाश जी करते हैं, लेकिन जब हमारी सीन टर्म कंडीशन ऐसा मोड़ आता है कि ये अपने अंदर का जो प्यार होता है, जब इनकी हिस्ट्री सुनते हैं स्टोरी कि कैसे आपने घर छोड़ के आया, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें जब इन्होंने बताया तब ये इमोशनल हो जाते हैं, अपने तरफ का वो चीज़ें रोक लेते हैं, इनको इजहार नहीं होने देते हैं कि ये मुझसे भी प्यार करते हैं, ये जाहिर नहीं होने देते हैं, ये एक तरफा प्यार करते हैं। लेकिन मधु का प्यार कार्तिक को पाना होता है, ये हमारे फिल्म का टर्म कंडीशन है स्टोरी। शूटिंग कहाँ कहाँ हम करने सर? शूटिंग अपना गोरखपुर में ही है, और बॉम्बे भी करेंगे, और अपना कुशीनगर में भी है, देवरिया में भी है, शिफ्टिंग है, अच्छी है। और सबसे पहले सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, रामचंद्र रिपोर्टर सर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनको मैं सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मैं और ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारे फिल्म को आसमान तक यही ले जाएंगे, और मुझसे इनसे यही उम्मीद है। और रेड आई मूवी क्रिएशन आप परमानेंट और पूरी फिल्म आपके ऊपर जिम्मेदारी है, हमारी फिल्म को आसमान तक ले जाना ये रामचंद्र भैया का जिम्मेदारी है पूरा। और इस फिल्म को लेकर के सर पूरी तरह से हर एक कलाकार जितने भी लोग हैं सारे लोग चुनिंदा रोल कर रहे हैं, सबकी चैलेंजिंग रोल है, और अभी तक भोजपुरी में इस तरह से अभी कंसेप्ट नहीं आया है। और मैं अब ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि मैं स्टोरी तो पढ़ा हूँ, हर चीज़ जान रहा हूँ, इसको इतने बढ़िया से प्रेजेंटेशन करना है कि लोग उठे ना, मेरी फिल्म को उस चीज़ को देखें, और मुझे वल्गरिटी और इसमें ऐसा कुछ भी परोसना नहीं है कि जो भाई बहन माँ बाप बैठ के फिल्म ना देख सके, पूरी तरह से अच्छी बनानी है, पूरी परिवार बैठ के फिल्म जब तक नहीं देखेगा तब तक फिल्म का कोई मतलब नहीं बनेगा हमारे बनाने का। इसके पहले सर मैंने बनाई है सुपर डॉन, बड़ी फिल्म, पूरी एक्शन मूवी है, ये मेरी लव स्टोरी फिल्म है,
और अच्छा से अच्छा मेरे ऑडियंस ने रिक्वेस्ट भेजा है सर कि कुछ परिवर्तन लाइएगा, और मैं कुछ नहीं पूरा परिवर्तन लाऊंगा, भोजपुरी बना रहा हूं ज़रूर और अच्छा परिवर्तन लाऊंगा। लोगों को एक बार रुझान बढ़ेगा और देखेंगे लोग परिवर्तन करेंगे अपने अंदर, अपने अंदर जो और भी लोग हैं टेक्नीशियन टीम वो कहेंगे किस तरह से फिल्म हमें बनानी चाहिए।